ये हूँ मैं और ये है मेरा बेस जो भी फूट चुका है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले लापरवाही एमपी का सीजन 5 शुरू हुआ था एंड स्टार्टिंग में मैंने दूर जाके एक अपना बेस बनाया था एंड अब मेरा ये बेस किसने फोड़ दिया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं सीजन 3 से लापरवाही एमपी में खेल रहा हूँ एंड लापरवाही एमपी मैंने बहुत बेसिस बनाया है, सभी मिल जाते हैं लोगों को, वो फोड़ देते हैं यार। लेकिन अभी मैं थक चुका हूँ यार बेसिस बना बना के, अभी मुझे बस एक बार ही बेस बनाना है जो सबसे बेस्ट हो, रेडस्टोन का बेस बनाना है जो किसी को मिलेगा भी नहीं। तो फिर कुछ टाइम बाद मैं गेम ज्वाइन करता हूँ। ओके तो गाइस मैंने अभी गेम ज्वाइन किया एंड आप लोग देख के बारे होंगे भाई इसने बेस ही फोड़ दिया हमारा, आई मीन किसी ने क्या यार। तो भाई डार्क वेव लाइक बास तो आया नहीं, लाइक बेस फोड़ के चला गया भाई, ऑफलाइन था जब फोड़ के गया। अभी नया बेस बनाते हैं, मैं तो डायमंड का आर्मर बनाने वाला था। मेरे पे एक आइडिया है ठीक है, जो हम लोग अपना बेस बनाएंगे इस बार सेफ बनाने, तो लाइक किसी का एडवाइस लेकर बनाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ चैट जीपीटी से पूछ के हम बेस बना रहे हैं ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को नहीं पता चैट जीपीटी क्या है तो रुको मैं बताता हूँ। चैट जीपीटी एक कन्वर्जेशन बोट है, मतलब कि इसको दुनिया भर की जानकारी है एंड ये एक ऑनलाइन बोट है, मतलब कि आपको गूगल सब जगह पे मिल जाएगा ये जो है चैट जीपीटी बोट है। इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनीज में हो रहा है, मतलब कि बहुत बेनिफिट है, बहुत हेल्पफुल है, आप इसे दिन भर बातचीत कर सकते हो, कभी भी रुकेगा नहीं एंड ये बहुत इंटेलिजेंट भी है, मतलब कि आप कुछ भी पूछ सकते हो इसको, को सब पता होगा ठीक है। जैसे कि मैं भी इससे पूछता कि माइनक्राफ्ट किसने बनाया, तो ये बोलेगा नोश ने बनाया। तो इसी तरह से हम आज की इस वाली वीडियो में इससे पूछ के पूरा बेस बनाने वाले हैं। सोया होगा तो गाइस ये है चैट जीपीटी, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, बहुत कुछ इसको सब आता है, पता नहीं कैसे आता है लेकिन आता है। सो हम इससे पूछने वाले हैं कि कहाँ पे बेस्ट रहेगा बेस बनाना। सोया The best place for secret base, depending on specific poles. हाँ, तो कैसा रहना चाहिए हमारा बेस, मतलब कि ना नहीं ये far from spawn तो रहेगा भाई। हाँ हमें underground बनाना है तो उसके related पूछते हैं। Allocation, digging, design, material, lightning, entrance. हाँ ये सब तो रहेगा बेस के अंदर, मतलब कि location, terrain, biome. इसमें से कौन से बेस्ट है मैं इससे पूछता है। आई थिंक सो इसको नहीं पता है कौन से बाय में बनाना चाहिए, तो आई थिंक सो मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। ओके तो चैट जीपीटी से पूछ ले, परफेक्ट जगह ढूंढते हैं बेस बनाने के लिए, पहले ऐसे चलते हैं। ओके 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 इधर एक फ्रीजर आउट पोस्ट है ठीक है। ये पहाड़ी पे ना लोगों को पहाड़ी पे बेस बना सकते हैं कैसे हम लोग ठीक है। पहले बाहर चलते हैं यहाँ से। ओके इधर स्नो भी है। ओ गाइस स्नो के नीचे बना सकते हैं बेस, यहाँ स्नो के नीचे बनाते हैं, मेरे सीक्रेट रहेगा। सो यहाँ स्नो के नीचे बनाते हैं बेस, और किसको मिलने भी नहीं वाले क्योंकि बहुत दूर है स्पॉन से, मतलब की तो मैंने अभी रिप्ले मोड से देख लिया पूरा नीचे का खाली है एंड अभी फाइनल है यहीं पे बेस बनाते हैं भाई इस पेड़ के नीचे। तो पूछ सकते किस टाइप का डोर बनाना है, रेस्टोरेंट कंपाउंड, बिल्डिंग ब्लॉक, डोर एंड ट्रैप डोर, ये सब है हमारे पे। अरे इसने ये तो बता दिया लेकिन ट्यूटोरियल किधर है? रुको मैंने सारा सामान ले लिया अभी ना, अभी एक ओक का पेड़ ढूंढते हैं। लो हमने ले लिया, ऐसे समझ लो ये वाला पेड़ ले लिया ठीक है। तो मैं इसके नीचे गड्ढा टाइप का करना पड़ेगा ऐसे, मतलब कि एक ब्लॉक तोड़ के फिर ऐसे नीचे प्लेस कर देना ठीक है। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट लगा देना है, फिर यहाँ पे दो पिस्टन जो इन दोनों को पुश करें, यहाँ पे एक ये ऐसे 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 इन दोनों को एक एक टिक कम कर देना ठीक है, क्लिक करके। एंड फिर अगर अभी हम ऊपर से गए तो एक खुला हुआ है ठीक है, ये हमें इसको पहले ऑन करना पड़ेगा। एंड अभी हमने लीवर दबाया कोई ऐसे खुल गया, फिर हम ऐसे मस्त एंडर पर डाल के नीचे डालते हैं, फिर नीचे बेस बना लेंगे पूरा। तो हमें यही लापता बनाने को बनाते हैं फटाफट से, अगर लापता में ओके। तो जो मैंने उधर डोर बनाया था ठीक है, मैंने डिटो को भी सेम टू सेम यहाँ पे देखो बना दे, ये बटन दबाएंगे यहाँ पे आएंगे, अरे ये बटन दबाएंगे ऐसे आएंगे, ऐसे जो एक क्लिप है मैं थोड़ा आगे के टाइम के, तो मैंने नीचे कुछ चीजें बना लिया तो वो मैं आगे जाके आपको वीडियो में दिखी जाएगी। सोया ओके फिर इसके बाद मैं नीचे पूरा गड्ढा खोदा एंड उसको डिजाइन किया है, और वो क्लिप में से गलती से डिलीट हो गया। तो बाकी कुछ ऐसा लग रहा है, बताओ कैसा लग रहा है, चेस्ट वेस्ट में बाद में हटाऊंगा, लेकिन अभी चैट जीपीटी से पूछा कि इस बेस के अंदर क्या और कुछ क्या रख सकते हैं। तो सर्च किया अभी कि क्या रूम्स रखने चाहिए मैं सीक्रेट बेस में, तो इधर लिखा है एक हिडन स्टोरेज रूम, स्टोरेज में हिडन तो रखने नहीं वाला हूं मैं, सामने रखेंगे। एंड एक मैं ये बनाने वाला हूँ स्टोरेज रूम, पोर्शनल रूम, एंटेनमेंट सैंपल, आर्मर, हाँ आर्मर वाला रख लेंगे, और लूट वोल्ड बना लेंगे एंड हाँ गार्डन वाला बनाएंगे भाई, अच्छी जगह बनाएंगे, थ्रोन रूम सब कुछ बनाएंगे भाई ठीक है। चलो यहाँ बनाते भी जाकर फटाफट से, पहले स्टोरेज रूम।
बना लिया ठीक है, वर्क स्टेशन कह सकते हैं, प्लस चेस्ट रूम बना लिया मैंने देखो। एंड यहाँ पे लाइक वर्क स्टेशन, यहाँ पे फर्नेस है सारे, स्मिथिंग टेबल है, क्राफ्टिंग टेबल है, इतना भी बाकी भी फार्म बनाते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा पंपकिन फार्म बन चुका है, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। लाइक मुझे लगा था कि ये छोटा लग रहा है लेकिन ठीक रहेगा, बाकी विलेजर सेटअप करना है अभी एंड बाकी के फार्म करना। अभी विलेजर लेके आते हैं, पहली बात तो विलेजर से ही रहेंगे हमें। जैसे आप लोगों को पता है अभी मैं 3 बार मरा हूँ, अभी मैं बहुत टाइम बाद ज्वाइन किया हूँ भाई। लाइक सीरियसली भाई मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं तो खेल रहा था लाप से में TNT के साथ ठीक है, TNT से ऐसे मारा पीटी कर रहा था मैं। एंड लाइक मेरा उसके बाद वाईफाई बंद हो गया ठीक है, मैंने TNT प्लेस कर दिया एंड मेरा वाईफाई बंद हो गया। मैं गेम ही रहा एंड वो TNT फूट गया, मेरे पे सामान था तो मैं मर गया। तो एंड उसके बाद फिर जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो लापर सिंह स्पॉन पे था एंड स्पॉन पे लैपिस भाई थे। ए लैपिस नहीं, लैपिस नहीं, लैपिस नहीं, अबे साले। ए ए ओमेगा भाई हेलो। एंड फिर वहां से लैपिस ने मुझे 3 बार मार दे, फिर छोड़ दिया उन्होंने। 3 एक्चुअली 2 बार मारा है, पता नहीं कितने मारा है, 2 बार 3 बार कितने मारा है। तो बुरा हुआ भाई, लेकिन ये बात नहीं, उसको बदला लेंगे। ओके 1 2 3 हो गए। तो कुछ ऐसा था गाइस, बताओ कैसा लगा, सही हुआ कि नहीं? वो छोड़ो अभी विलेजर रखते हैं भाई। तो मैंने भी विलेजर ट्रेडिंग हॉल तो बना लिया लेकिन विलेजर ही नहीं है। तो मेरे पे एक आइडिया है, जो भी विलेजर को कन्वर्ट करके पोस्टन वगैरह डाल के तो उस टाइप से हम विलेजर का काम कर लेंगे। तो मैं रात तक फिर बैठता रहता हूँ एंड फाइनली मुझे एक जॉब मिलता है, फिर मैं उसको क्योर करता हूँ, फिर अगला मिलता है। सो इसी तरह से मेरे पास विलेजर है एंड फिर मैंने बहुत ज्यादा विलेजर्स कर लिए। हमारा ट्रेजरी जो मेरी आर्मर रखने वाला मैं इंटरेस्टमेंट रखूंगा, तो थोड़ा मतलब रखते हैं लूट वाले एरिया। तो लूट वाले एरिया मेरे पास दरवाजा मिल चुका है ठीक है, तो पता होगा आपको एक बुकशेल्फ नया है तो इसका यूज करेंगे इस बार ठीक है। ओके तो इसमें जो डोर है अभी फटाफट से बना दिया मैंने, डेकोरेट भी कर दिया यहाँ पर। ये विलेजर है देखो, तो डोर ऐसे ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक बुक तो पहले एनिमल तोड़ना पड़ेगा हमें। ओके तो जो ये बुकशेल्फ ठीक है, नॉर्मल लग रहे हैं, डेकोरेशन के लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको निकालेंगे वाली बुक को तो देखो यहाँ पे एक दरवाजा खुलेगा। सो हम इससे इधर से अंदर भी आ सकते हैं, मतलब ये एग्जिट भी है, एंट्रेंस भी है। बट और हाँ, अगर आप लोग लगता है ऐसे ये तो खुला रहेगा नहीं, हाँ गाइस इसलिए मैंने इसमें डिले डाले ठीक है। अगर अभी हम देखो इसके अंदर अभी डालते हैं तो फटाफट ऐसे कर सकते हैं, जिंदा है। ओके भाई मुझे लगा मर गया। अभी लापरवाही एमपी डायमंड पे शिफ्ट हो चुकी, तो अभी मुझे डायमंड का ये उतार के डायमंड पाना पड़ेगा। सो यार मजा आएगा डायमंड कार में चेंज करने का, इजी है क्योंकि एंड वन फार्म है। तो यार ओके, तो मैंने ये तो पूरा मैक्स कर दिया, अभी इसको लेके अभी सही से करना है। एक आयरन फार्म पे और आना है, एक यहां पे स्पॉन हुआ। और तो गाइस मैंने अपना आर्मर भी डायमंड में कन्वर्ट कर लिया है, इसको मार देते हैं। ओके गाइस सो अभी मतलब कि पूरा बेस वाला बन गया, मतलब मैं उसको बाद में आगे का काम कर दूंगा। बाकी यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है, बाकी जो बाकी रूम्स और बचे हैं वो मैं ऑफलाइन बनाऊंगा। तो यार